कानपुर चिड़ियाघर में आरिफ और सारस की मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हर कोई सरकार से सारस लौटाने की गुहार लगाने लगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार से आरिफ को सारस लौटाने की अपील की है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि सारस और आरिफ की कहानी खास है, एक दूसरे को सामने पाकर इन दोनों की दोस्ती की खुशी बता रही है कि इनका प्रेम कितना निश्चल और पवित्र है। यह खूबसूरत जीव स्वच्छंद आकाश में उड़ने के लिए बना है, पिंजरे में रहने के लिए नहीं। उसे उसका आसमान, उसकी आज़ादी और उसका मित्र वापस लौटा दीजिए। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरिफ और सारस का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा था कि जो लोग समझते हैं नफरत भर देंगे दिलों में, उन्हें नहीं पता मोहब्बत कुदरती होती है और कुदरत के खिलाफ जाने वाले कहां कभी कामयाब होते हैं। अखिलेश यादव ने ही कई मंचों पर आरिफ और सारस की दोस्ती टूटने के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। गौरतलब है कि आरिफ अपने दोस्त सारस से मिलने मंगलवार को कानपुर चिड़ियाघर पहुंचा था। सारस का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को चिड़ियाघर में जाने की इजाज़त दी गई थी। जैसे ही आरिफ आज बाड़े के पास पहुंचा तो सारस खुशी से चहकने लगा और बेचैन दिखा। आरिफ ने सारस को उड़ने के लिए कहा तो वह बाड़े के अंदर ही उड़ने लगा। आरिफ और सारस के बीच कुछ मिनट की मुलाकात कराई गई। जैसे ही सारस ने आरिफ को देखा तो अपने गर्दन हिलाते हुए और चोंच निकालते हुए अपने पंख को फड़फड़ाने लगा और बेचैन होकर इधर उधर जाने लगा, मानो कि आरिफ से मिलने की खुशी जाहिर कर रहा था। आरिफ को सारस के पास जाने की इजाज़त नहीं थी। इस दौरान आरिफ का कहना था कि सारस मिलने के लिए तड़प रहा था लेकिन प्रोटोकॉल के चलते वह नहीं जा सकते थे। आरिफ चाहते हैं कि सारस को किसी भी पक्षी विहार में छोड़ दिया जाए। आरिफ के साथ मौजूद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि सारस और आरिफ का प्रेम देखकर उनकी आंखें छलक आईं। अमेठी के आरिफ खान गुर्जर ने घायल सारस की देखभाल की थी, जिसके बाद आरिफ के साथ सारस रहने लगा था। सारस महीनों तक अमेठी के मांडखा गांव में आरिफ के साथ परिवार के सदस्य की तरह रहा। इस बीच अखिलेश यादव भी अमेठी पहुंचे और आरिफ सारस से मिले थे। इसके बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हुई और कार्रवाई हो गई। वन अधिकारियों ने आरिफ और सारस को लेकर राय बलेरी के समपुर पक्षी अभ्यारण्य में पहुंचा दिया। अधिकारियों ने कहा था कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सारस अपने प्राकृतिक वातावरण में रह सके। राय बलेरी के बाद सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में पहुंचा दिया गया। कानपुर के चिड़ियाघर में सारस को 15 दिन के लिए क्वारंटीन रखा गया था। जाहिर है वरुण गांधी खुलकर आरिफ और सारस के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने सारस को आज़ाद करने की अपील की है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ शेयर भी करें।